देवर ने किया भाभी से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर कई माह से महिला से करता रहा दुष्कर्म। पीड़िता महिला का पति कानपुर शहर में रहकर करता है मजदूरी करता है। इसके अलावा बच्चों के साथ अकेले रहती है वो महिला। पीड़िता महिला डरा धमका कर महिला से करता था दुष्कर्म। चचेरे देवर पति के घर आने पर पीड़िता ने दी घटना की जानकारी। पीड़िता महिला ने पति के साथ जाकर कोतवाली में तहरीर की। सुनवाई ना होने पर पुलिस अधीक्षक के से लगाई न्याय दिलाने की गुहार। पीड़िता महिला व पति लगा रहा न्याय के लिए अधिकारियों के चौखट पर चक्कर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है ये। 12 बजे रात में 25 तारीख को उठा के ले गए, कट्टा दिखा के धमकाया डरवाया। आदमी से बताओ कि छोड़ देंगे, मार डालेंगे। किसने धमकाया और कब धमकाया, किस वजह से धमकाया? ये करने के वजह धमकाया। आपके साथ गलत काम किया, किसने किया? वो चाचे का लड़का। क्या नाम है उसका? सुनील नाम। उसके बाद क्या कार्रवाई की, कहाँ आई? यहीं आए अकबरपुर, बस कार्रवाई शुरू हुई अकबरपुर में थाने पर। आप आई, हाँ। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? ये एप्लीकेशन लिखाएगा, कोई सुनाई नहीं है।